प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज फिर हम एक वर्कशॉप करेंगे। पिछले हफ्ते हमने सेल्फ अवेयरनेस पर वर्कशॉप की थी, तो इस वीक वर्कशॉप का थीम है मैनेजिंग इमोशंस। और आपको मालूम है कि ये वर्कशॉप्स लाइफ स्किल डेवलपमेंट पर भारती फाउंडेशन फैसिलिटेट कर रही है। तो आज की वर्कशॉप में कुछ एक्टिविटीज हैं, केस स्टडीज हैं, तो इनको करने के लिए कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। और जो भी एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा जाता है वो आपने जल्दी करनी है, विदाउट कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा टाइम। तो शुरू करें, लिखो अपनी कॉपी पे। हैप्पी नंबर एक डाल के हैप्पी HAPPY। नंबर दो एंग्री, नंबर तीन सैड SAD sad। नंबर चार स्केयर्ड। आप भी ले आओ कॉपी, आप भी करो, सॉरी करो। लिख लिया तो सबसे पहले क्या लिखा है? हैप्पी मतलब, उसके बाद एंग्री मतलब, उसके बाद सैड मतलब, उसके बाद स्केयर्ड, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, उसके बाद सरप्राइज मतलब हैरान। तो ये सारे इमोशंस हैं, क्या हैं? इमोशंस। इनको हम अक्सर फील करते रहते हैं। तो आप बताओ, क्या आपने कभी इन इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश की है, मतलब संभालने की कोशिश की है, कंट्रोल करने की कोशिश की है? आपने कभी अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की है? किसी ने, जिन्होंने की है हाथ ऊपर करो। ठीक है, आप खड़े हो जाओ। मैं तो रिसेंटली कोई एक मौका आपको याद हो जब आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की या संभालने की कोशिश की हो। सर, मैंने बंशी से पानी मांगा था, उसने दानिश को दे दिया, मेरे को नहीं दिया। सी मेरे को गुस्सा आया लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया। फिर कंट्रोल किया, ठीक है। तो आज की जो वर्कशॉप है इसके लर्निंग आउटकम्स हैं, नंबर वन, हमारे इमोशंस क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं। नंबर टू, इमोशंस का हमारी परफॉर्मेंस पर क्या अफेक्ट होता है या कैसे ये हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। नंबर तीन, हम अपने इमोशंस को मैनेज करना कैसे सीख सकते हैं। नंबर चार, मैनेजिंग इमोशंस क्यों जरूरी है। और नंबर पांच, इमोशंस को मैनेज करने का मतलब क्या होता है। तो ये पांच लर्निंग आउटकम्स हैं। ये नॉलेज जब हम ये वर्कशॉप पूरी कर लेंगे उसके उपरांत हमारे पास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इमोशंस क्या होते हैं। एनीबॉडी हाथ ऊपर करो जो जिसको मालूम है इमोशंस क्या होते हैं। मीनाक्षी आ जाओ। भावना, ठीक है। तो बच्चों बैठो, इमोशंस क्या होते हैं? हमारी नेचुरल इनर फीलिंग, जैसे खुशी, उदासगी, हैरानगी, कंफ्यूजन वगैरह वगैरह, जो किसी परिस्थिति विशेष की वजह से होती है, जहां जिन लोगों के बीच में हम बैठे हैं उनकी वजह से होती है, ठीक है। तो ये हमारे इमोशंस हैं। तो अब आप लिखो अपनी कॉपी पे नीचे,
नंबर वन डाल के खुशी, नीचे नंबर दो डाल के हैरानगी, नंबर तीन डाल के उदासगी और नंबर चार डाल के कंफ्यूजन। लिख लिया? खुशी, हैरानगी, उदासगी, कंफ्यूजन। खुशी, उदासगी, हैरानगी, कंफ्यूजन। आपको मालूम है कि ये इमोशंस कैसे होते हैं, आपने फील किए होंगे। तो अब आपने क्या करना है, इन चार में से बताना है देख के कि ये कौन सा इमोशन है। ऐसी शक्ल कब बनती है हमारी, जब कैसा इमोशन हो, जिनको मालूम है हाथ ऊपर करें। शाबाश, बोलो जोर से। उदासी। ये है उदास, उस समय हमारा मुंह ऐसा बन जाता है, ठीक है। और ये स्माइल, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद इन चार में से ही है, दो तो हो गए, दो रह गए, ये कौन सा है? हैरानगी है या कंफ्यूजन में ऐसा मुंह बनता है हमारा, एक साइड पे ऐसे कंफ्यूजन, ठीक है। और हैरानगी में ऐसा हो जाता है एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं हम, ठीक है। तो अब एक एक्टिविटी है, आपने सुनना है, इसमें किस्सा है एक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बबलू नाम का लड़का है, वो रोज स्कूल बस में फ्रंट सीट पर बैठता है। तो एक दिन जब वो बस में चढ़ा, उसने देखा उसकी सीट पर मंजीत बैठ गया है। तो जब उसने अपनी सीट पर मंजीत को बैठा देखा तो उसको गुस्सा आ गया कि ये मेरी सीट पे क्यों बैठ गया है, और उसने मंजीत के साथ झगड़ना शुरू कर दिया। किसने? बबलू ने। लेकिन बाद में बबलू को मालूम हुआ कि मंजीत के पांव को चोट लगी थी, इसलिए वो सावधानी अपनाने के लिए फ्रंट सीट पर बैठा था ताकि उसका पांव ना दुखले। तो जब उसको ये मालूम हुआ बबलू को उसकी मजबूरी का, तो उसको अफसोस हुआ, उसने मंजीत को सारी कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि आपके पांव में चोट लगी है। तो ये है किस्सा छोटा सा। अब प्रश्न है, क्या बबलू ने जो रिएक्ट किया वो सही था, जब उसने मंजीत के साथ लड़ाई की, सही था गलत था? गलत था, गलत था, सही था? तरुण, गलत था, खड़े हो जाओ। तो क्या कोई ऐसा और तरीका है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर सकता था जब उसने मंजीत को अपनी सीट पर बैठे हुए देखा? क्या कोई और तरीका था जिस तरीके से वो रिएक्ट कर सकता था? वो उसे प्यार पूछ सकता था कि आप मेरी सीट पर क्यों बैठ गए, मैं यहाँ पे रोज बैठता हूँ। हाँ, वो उसको पूछ सकता था कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं, प्यार से, पोलाइटली। तो अगर आप उसकी जगह होते, बबलू की जगह, तो आप क्या करते? सही उसको पूछते, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं, और वो कारण बताता, फिर मैं दूसरी सीट पे बैठ जाता। ठीक है, तो हम उसको पूछ सकते थे पोलाइटली कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, वो बता देता मुझे चोट लगी है, तो लड़ाई नहीं होती। या बगैर पूछे भी हम बैठ सकते थे दूसरी सीट पे, ठीक है। तो लड़ना नहीं चाहिए था। तो लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि उसने अपने इमोशन को मैनेज नहीं किया, गुस्सा आ गया, गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, ठीक है।
तो इमोशंस को मैनेज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने इमोशन को दबा लें या छुपा लें। इमोशन को मैनेज करने का मतलब होता है हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस भी करें लेकिन कंट्रोल में रहकर, आपे से बाहर ना हो जाए, चाहे खुशी हो चाहे कोई सैडनेस हो, कंट्रोल में रहे। तो अगर हम ये कर पाए इट मीन्स हम इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी से हमारा कोई नुकसान हो जाए तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा आएगा, लेकिन अगर उस स्थिति में हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ ऐसा ना कह रहे हैं या ऐसा ना कर रहे हैं जिसकी वजह से बाद में हमें अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस हो या हमें पछतावा हो, हमें ऐसा लगे कि जे हमने गलत किया है, अगर हम ऐसा ना करें इट मीन्स हमने इमोशन को मैनेज किया है। समझाई बात, इमोशनल मैनेजमेंट। इसी तरह से खुशी का इमोशन भी, खुशी को हम एक्सप्रेस भी करें लेकिन कंट्रोल में रहकर। जैसे हम मैच जीते हैं ना, वॉलीबॉल खेलते हैं तो फिर हम खुश हो जाते हैं, खुशी में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हो आप, जीत गए। तो वो दिखता है सबको, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए उस स्थिति में, ठीक है। तो पहला हाफ ये खत्म हो गया इस वर्कशॉप का, जो नेक्स्ट हाफ है वो हम मोस्ट प्रोबेबली आज ट्यूजडे है, थर्सडे को करेंगे, ठीक है। थैंक यू।